अभी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर सबसे पहले आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर एनसीपी में घमासान जारी है। अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अजित पवार और समर्थक अड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी को जब समर्थन देने की खबर सामने आई थी और एनसीपी की तरफ से तमाम विधायकों के हस्ताक्षर के साथ अजित पवार ने दावा किया था, तो उप मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ भी ग्रहण की थी। लेकिन अब एक बार फिर से एनसीपी के भीतर गहमा गहमी है और समर्थक के साथ साथ अजित पवार अड़े हुए हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद दिया जाए। बहरहाल अभी क्या स्थिति है ये जानने के लिए सुभाष शिर्के उनका रुख करेंगे, जो कि मातोश्री के बाहर हैं। साथ ही साथ पंकज मिश्रा भी हमारे साथ शिवाजी पार्क से जुड़ चुके हैं। पहले सुभाष आपसे समझना चाहेंगे, मातोश्री में क्या कुछ आलम देखने को मिल रहा है, जब पहली बार महाराष्ट्र की कमान इस परिवार का कोई सदस्य संभालने वाला है। देखिए, मातोश्री के बाहर पूरी तरह से बैनर्स और पोस्टर्स लगे हुए उद्धव ठाकरे के समर्थन में, और उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उसके लिए उनका अभिनंदन करते हुए ये पोस्टर्स है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि अभी तक शिवसैनिक तो जमा नहीं हुए, लेकिन थोड़ी देर पहले रश्मि ठाकरे और उनके बेटे तेजस ठाकरे यहाँ से सोफिटेल होटल के लिए रवाना हुए हैं। उद्धव ठाकरे अभी भी हमें पता चला कि यहीं पर है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। तो गहमागहमी पूरी तरह से शिवसेना में है, दूसरी तरफ एनसीपी में घमासान है। एनसीपी में अजित पवार समर्थक इसलिए नाराज है कि जो पहली लिस्ट में शपथ दिलाई जा रही है उसमें अजित पवार इनका नाम नहीं है। कल न्यूज नेशन ने यह बताया था कि अजित पवार जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें हिस्सा नहीं उनको दिया जाएगा, और ऐसे में अजित पवार के समर्थक जो है वो नाराज है और वो मांग कर रहे हैं कि अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद दिलाया जाए। और जयंत पाटिल जो उप मुख्यमंत्री पद के लिए उनका चयन हुआ था, शरद पवार इन्होंने किया था, उनको सिर्फ मंत्री पद की शपथ दी जाए, ऐसी मांग यहाँ पर चल रही है। और एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि क्या मातोश्री यानी वो जगह जहाँ से कोई मुख्यमंत्री बेशक आज तक ना बना हो, लेकिन हाँ महाराष्ट्र की राजनीति में कई चीजें यहीं से तय होती हुई आई हैं, अब जब मुख्यमंत्री बनने वाले उद्धव ठाकरे तो इस घर को छोड़कर कोई दूसरा घर लेंगे सरकारी, या यहीं से वो आगे बढ़ाएंगे? देखिए, इसके बारे में भी शिवसेना में चर्चा है और लोग चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे जो है वो ऑफिशियल अपना जो घर है मुख्यमंत्री का वर्षा बंगलो वहाँ पे चले जाए, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला कि उद्धव ठाकरे ने इसके बारे में क्या फैसला लिया, क्योंकि वो बंगलो जो है वो अभी तक देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने अभी तक छोड़ा नहीं है, और ऐसे में वो छोड़ने के लिए और उसके बाद वहाँ पे एक तरह से रिफर्बिशमेंट होगा और इसके लिए वक्त लगेगा, तो जाहिर है तब तक उद्धव ठाकरे यहीं से सत्ता जो है वो संभालेंगे, या फिर क्या वो दूसरे स्थिति डामाडोल हो रही है कि वो अपना ये घर छोड़कर सरकारी आवास पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक बार शिवाजी पार्क का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पंकज के साथ कई शिव सैनिक खड़े हुए हैं। पंकज, पहले तो बताइए वहाँ क्या तैयारियां हैं, और थोड़ा इन शिव सैनिकों से पूछ कर देखिए कि उन्हें ये फैसला किस तरीके से समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल अक्षय, सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं शिवाजी पार्क में, यहाँ पर भव्य स्टेज तैयार किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे यहाँ से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और यही वजह है कि शिवसेना यहाँ पर शिवाजी का किला स्वरूप यहाँ पर ये स्टेज तैयार करवा रही है। बड़ी तादाद में शिवसैनिक अभी से यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और इस वक्त जो शिवसैनिक यहाँ पर मौजूद हमारे साथ, आपको दिखाते हैं किस तरह से ये महाराष्ट्र के जालना से आए हुए हैं, बेहद तैयार होकर ये शाम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक एक करके इनसे बात करते हैं कि ये कितने खुश हैं जो फैसला लिया गया है, और ख़ासतौर पर बीजेपी के साथ जो गठबंधन टूटा है उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो सरकार बनने जा रही है उस पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले बताइए कि उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, हमको बहुत खुशी है। और बीजेपी के साथ अगर लेती तो ज्यादा खुशी होती? नहीं, वो धोखा दिया ना उन्होंने, धोखा दिया। और कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार चलेगी? चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी। हाँ, आप क्या कहेंगे? हम जालना जिले से आए वाले कि जय उद्धव साहब मुख्यमंत्री बन रहे, पर उन्होंने किसान को क्या बोला है कि पहली सात बार हम कोरी करेंगे, और ये गठबंधन है सब, ये भाजपा वाले ने हमको धोखा दिया, 25 साल हो गए हम इसके साथ में हैं, पर भाजपा वाले ने हमको उद्धव साहब को कभी भी धोखा दिया वाला। खुश है शिवसेना उद्धव साहब के इस फैसले से? उद्धव साहब मुख्यमंत्री हो रहे ये इस बात का हमें बहुत ही आनंद है। इतिहास के जो इतिहास होने वाला है आज,
कि ठाकरे परिवार का कोई आदमी मुख्यमंत्री हो रहा है, आज की तारीख होने वाली है। और पंकज, शिवाजी पार्क और शिवसेना का रिश्ता काफी पुराना रहा है, कई ये चीजें जो हैं वो जुड़ी नजर आई हैं। बहरहाल आज शपथ ग्रहण समारोह भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, एनसीपी में उप मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या स्थिति बनती है, तमाम चीजों पर नजर बनी हुई है। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।